फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या की पूजन सामग्री क्या क्या होती है, यानी कि जब हम सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं, चाहे हम सोमवती अमावस्या की पूजा घर पर करें या हम मंदिर में जाकर करें पीपल के पेड़ के नीचे, तो हमें यही सामग्री चाहिए होगी जो मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कोई भी 108 चीजें ले लेंगे। हम कोई भी खाने पीने की चीज आप ले सकते हैं, यहाँ पर बिस्किट, टॉफी, कोई भी फ्रूट या कोई भी सब्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। ये हमें 108 लेनी होती है और 108 चीजें हम लोग मिनस कर और बांटते हैं। पहले हम लोग इसे पानी से लेकर इस तरह से मिनस देंगे और फिर हम लोग इनको बांट देंगे। कुछ लोग परिक्रमा के लिए 108 चीजें अलग लेते हैं और बांटने के लिए अलग लेते हैं। आप अलग भी ले सकते हैं या आप जिन चीजों से परिक्रमा करते हैं वही 108 चीजें आप बांट भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बिस्किट ले लिए हैं सबसे पहले, जो कि 108 बिस्किट मुझे बांटने हैं सोमवती अमावस्या के दिन। इसके बाद सबसे पहले जो हम सोमवती अमावस्या को लेते हैं वो कच्चा सूत होता है, क्योंकि सोमवती अमावस्या वाले दिन रुई को हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, मूली को और रुई को हाथ नहीं लगाया जाता है। सरसों के तेल का भी उपयोग इस दिन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो जब हम रुई को हाथ नहीं लगाते हैं तो हम बाती बनाने के लिए इस तरह के कच्चे सूत का इस्तेमाल करते हैं, जो कच्चा सूत होता है इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे ही हम लोग परिक्रमा भी कच्चे सूत की करते हैं, 108 परिक्रमा जो करनी होती है हमें, और हम जो बाती बनाते हैं वो भी कच्चे सूत की बनाते हैं। तो इस तरह से हम ये धागे ले लेंगे कच्चे सूत के, और इस तरह से जितनी मोटाई आपको बाती की चाहिए, कई लोग 108 तार लेते हैं ये, अगर आप 108 तार लेना चाहें तो इस तरह से आप 108 तार की बाती भी बना सकते हैं, बहुत शुभ मानी जाती है। और नहीं तो आप जितनी भी मोटाई आपको चाहिए उतनी मोटाई आप कर लें इसकी बाती की, और इस तरह से आप इसको बांट के बाती बना लें। और उसके बाद आप लोग एक घी का दिया ले और घी के दिए में इस तरह से बाती बना लें, क्योंकि इस दिन हमें रुई का इस्तेमाल नहीं करना होता है तो कच्चे सूत की ही बाती बनाई जाती है। तो इस तरह से हम सोमवती अमावस्या का दिया बना लेंगे, ये दिया हम लेके जाएंगे। और अगर आप कच्चा सूत नहीं है आपके पास तो आप इस तरह का कलावा भी ले सकते हैं, ये भी कच्चा सूत ही होता है, तो आप ये कलावा भी ले सकते हैं। फेरी जब हम देंगे, परिक्रमा जब हम लगाएंगे, तो 8 परिक्रमा तो हमें जरूर जरूर कच्चे सूत को लपेटते हुए या ये कलावा जो हमने लिया है इसको लपेटते हुए लगानी है। उसके बाद आप इसको वहीं पे लपेट के और वैसे चीजें रखते हुए भी लगा सकते हैं, या अगर पूरी 108 आप कच्चा सूत लपेटते हुए लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। तो ये हमें जरूर लेना है, कलावा भी ले सकते हैं और कच्चा सूत भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें लेना है, टीका लगाने के लिए हम लोग हल्दी का उपयोग करेंगे, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा की जाती है सोमवती अमावस्या वाले दिन, और विष्णु भगवान का वास होता है पीपल में, इसीलिए हम लोग पीपल की पूजा करते हैं। तो हम लोग टीका जो लगाएंगे वो हल्दी से लगाएंगे। यहाँ पर हम टीका लगाने के लिए सिंदूर का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम साथ में ही गणेश जी की पूजा भी करते हैं, गोरा जी की पूजा भी करते हैं, और ये सुपारी से बने हुए गणेश जी हैं, ये भी मैं ले लूंगी। और हम लोग लेंगे चंदन, अगर आपके पास ये पीले वाला चंदन है तो आप चंदन भी ले लीजिए, नहीं तो आप खाली हल्दी का भी टीका लगाएंगे तो भी चलेगा। और इसके बाद हम लोग अक्षत ले लेंगे, तो ये कुछ अक्षत ले लिए हैं मैंने, चावल जो होते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं तो उसमें गेहूं जरूर लेते हैं, गेहूं का विशेष महत्व होता है। जब हम दिया जलाते हैं तो गेहूं का, या तो आप गेहूं से अष्टदल कमल बना लें उसके ऊपर आप दिया रखें, या तो फिर आप थोड़े से गेहूं रख के उसके ऊपर भी दिया रख सकते हैं। और अगर गेहूं नहीं है तो फिर जो आपने ये अक्षत लिए हैं, जो आपने चावल लिए हैं, इनको पीले रंग से रंग लें हल्दी से, और उसके बाद आप उसके ऊपर दिया रख सकते हैं। तो अगर आपके पास गेहूं है तो बहुत अच्छा है, आप गेहूं ले लीजिए। तो इस तरह से गेहूं ले लेंगे हम। उसके बाद हम लोग धूप ले लेंगे, और यहाँ पर हम कुछ सिक्के ले लेंगे चढ़ाने के लिए दक्षिणा स्वरूप। और आप फूल ले लें, कोई भी फूल जो भी आपके पास हो, जो आसानी से आपको मिल जाए आप वो फूल ले लें। फूलमाला भी आप ले सकते हैं, मंदिर के बाहर आपको फूलमाला बहुत आसानी से मिल जाती है, तो आप वहां से फूलमाला भी ले सकते हैं। तो इस तरह से फूल ले लेंगे हम। और इसके बाद मैंने ली है ये मूंगफली, 108 मूंगफली ली है मैंने। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लोग तो जो ये पाटने की चीजें लेते हैं इसी से परिक्रमा लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर परिक्रमा के लिए अलग से कुछ भी 108 चीजें लेते हैं। आप एक ही ले सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप अलग से लगाना चाहें तो भी, जैसे परिक्रमा करते हैं तो एक एक रखते हुए चले जाते हैं, जिससे कि परिक्रमा की गिनती आसानी से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 108 मूंगफली ली है। आप इनकी जगह पर काजू, बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट या टॉफी वगैरह कुछ भी ले सकते हैं।
तो ये मूंगफली ली है मैंने। और बांटने जब आप जाते हैं तो पूजा करने के लिए, तो चाहे घर पे करें या बाहर करें, माचिस तो आपको जरूर जरूर चाहिए ही होगी, तो माचिस जरूर रख लें। और इसके अलावा जो ये सोमवती अमावस्या होती है, इसमें धोबन को थोड़ा बहुत दान जरूर दिया जाता है। तो जब भी आप सोमवती अमावस्या करते हैं, तो अगर ज्यादा ना भी हो सके तो आप धोबन को कोई भी कपड़ा या साड़ी सूट, या साड़ी सूट ना भी दे सके तो कम से कम आप एक ब्लाउज का पीस और चूड़ी जरूर दे दें। और अगर हो सकता है तो जैसे आप साड़ी दे दें, यहाँ पर मैंने साड़ी निकाल ली है, साड़ी दे दूंगी मैं, और ये 5 सुहाग की चीजें दे दें। तो आप अगर आप साड़ी नहीं दे सकते हैं तो खाली आप एक ब्लाउज, चूड़ी और बिंदी ये जरूर दे दें। और उसके अलावा आप एक पैंट शर्ट का जोड़ा या कुर्ते पजामे का कपड़ा या कोई भी, या कुछ भी ना हो तो एक रूमाल आप धोबी के लिए रख सकते हैं। तो ये चीजें आपको देनी है मिनस्कर, जो कि आपको धोबी को देनी है। और जब अगर आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, तो वहां पर आपको धोबन सोमवती अमावस्या के दिन अपने आप ही मिल जाएगी, वहां पर बैठे हुए होते हैं वो लोग। और अगर आप घर पर ही कर रहे हैं तो आपके आसपास जो भी प्रेस करते हैं, जो लोग प्रेस वाली जो होती हैं, आप उनको ये दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो दान होता है सोमवती अमावस्या का, वो हमें धोबी को ही देना होता है। तो इस तरह से ये चीजें हम दे देंगे फ्रेंड्स। इसके अलावा हम लोग एक लोटा जल लेंगे, जो कि हम लेते हैं हर एक पूजा में, शुद्ध जल लेना बहुत जरूरी होता है। तो ये जल ले लेंगे हम लोग, एक लोटा जल ले लिया है मैंने यहाँ पर। ये वो बेसिक चीजें हैं जो कि हमें जरूर जरूर चाहिए होंगी पूजा में, सोमवती अमावस्या की पूजा में। इसके अलावा आप चीजों को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन ये चीजें तो आपको इतनी तो जरूर जरूर चाहिए ही चाहिए होंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी वो पूजन सामग्री जो आपको सोमवती अमावस्या की पूजा के लिए लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।